प्रिया धीर, रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। पंजाब के गुरदासपुर में पीएम मोदी की रैली का किसानों ने किया विरोध, पीएम की सुरक्षा में हुई चूक, गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से मांगी रिपोर्ट। पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी की रैली, सुरक्षा कारणों से हुई रद्द, 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर रुका रहा काफिला। बठिंडा एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने अधिकारियों से कहा, सीएम को धन्यवाद कहना, मैं जिंदा लौट पाया। पंजाब भाजपा प्रमुख बोले, पीएम मोदी पंजाब को पैकेज देना चाहते थे, राज्य सरकार ने उन्हें सुरक्षा नहीं दी। हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा, पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पंजाब सरकार के लिए शर्म की बात है। जेपी नड्डा ने पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर पंजाब सरकार को घेरा, कहा पंजाब सरकार की हरकतों ने दिखा दिया है कि वे विकास के विरोधी हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, पाकिस्तानी आतंकी और ISI के रास्तों पर चल रही है पंजाब कांग्रेस। पीएम मोदी की 9 जनवरी को लखनऊ में होने वाली रैली टली। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, दिल्ली में कोरोना की 5वीं लहर आ चुकी है। दिल्ली में GMAT से जुड़े ऑनलाइन परीक्षा सिंडिकेट का पर्दाफाश, 2 इनामी समेत 6 लोग हुए गिरफ्तार। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोले, पीएम की सुरक्षा में चूक गंभीर, राज्य और केंद्र एजेंसियों से जांच करानी चाहिए। जम्मू पुंछ हाईवे पर राजौरी के पास मल्टी बस हादसे में BSF के 5 जवान हुए घायल। मुंबई में 10,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए, महाराष्ट्र में बढ़ाई गई पाबंदियां। पटना के मुख्यमंत्री आवास के 22% कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मुंबई में अमिताभ बच्चन के घर का एक और कर्मचारी हुआ कोरोना पॉजिटिव। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ इंडिया से।